अभी हम जा रहे हैं आसमान के एक्वेरियम में। तो ये नीचे जाने का रास्ता है, नीचे ये है, तो जा के देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। ये देखो आप, आगे चल ये स्टोन फिशेस हैं। देखो ये देखो कितनी प्यारी ही है, कितने प्यारा इसका शेड है। ये इधर फिश की टाइप्स बनी हुई है। टेम्परेचर इसका 26 to 24 है के ताकि फिश मरे ना। ये देखें कितनी प्यारी प्यारी फिशेस हैं। ये हम पहले आए हैं साउथ अमेरिकन चिलेड। इधर सारी फिश के बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। स्पीशीज हैं कुछ स्टोन फिशेस। अभी हम नेक्स्ट आए हैं स्मॉल शार्क पे। ये देखें ये छोटी छोटी शार्क्स हैं। डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, छोटी शार्क हैं, क्या खाएंगे मुझे। अभी बच्चे बेबी शार्क का डू 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 कर रहे हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट ये देखें कितनी प्यारी फिश है। ये इसका आप कलर देखें, बहुत प्यारी है ये। और आप उसका उस वाली का प्रिंट देखें कितना प्यारा। ये इसका भी प्रिंट बहुत प्यारा है। यहाँ पे सारी फिश बहुत प्यारी हैं। यहाँ पे छोटी सी बहुत प्यारी, ये भी एक और एशियन रिवर्स में पाई जाती हैं। ये वाली एशियन रिवर्स में पाई जाती हैं, तो वो मतलब इंडस में भी होती होंगी। ये एक फिश आई अजीब सी, इसके कांटे लगे हुए हैं एंटीनास। एक ये फिश ऐसे क्या देख रही है भाई, चल लो। आप ये देख सकते हैं इनकी रेड आईज है, और ये ना ब्लाइंड फिश कहलाती हैं। ये भी इधर ब्लाइंड फिश भी हैं। यहाँ पे देखिए इनके भी शेड्स प्यारे प्यारे, रेड आईज। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये आ गई स्मॉल स्मॉल फिशेस जो नॉर्मल एक्वेरियम में होती हैं। ये देखें इतनी ज़्यादा हैं, हर कलर की हैं, इतनी ज़्यादा छोटी छोटी हैं। और इसकी इसकी ज्योग्राफी भी पढ़ लेते हैं। ये होता है, ये मलावी लेक में होती है। ये देखे ना छोटी, प्रिंट चेक करें आप, इसका प्रिंट
ये देखें ये वाली का आप प्रिंट तो चेक करें भाई, अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, कैसी कैसी खूबसूरत खूबसूरत, इसका प्रिंट चेक करें आप। तो ये जो फिश हैं अजीब अजीब सी, ये हैं सिलेंटी, और ये सबसे ज़्यादा पुरानी पुरानी फिशेस हैं जो पाई जाती हैं अमेरिका, जो सबसे पहले नोन हुई थी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और रशिया में। और बाकी इसकी और इन्फॉर्मेशन इधर है, इधर देखेंगे अलग अलग कलर्स की फिश। देखें ये अपने गिल्स कैसे खुल के बंद कर रहे कर रही है, जो भी है। ये डीप वाटर में पाए जाती हैं ये जी फिशेस हैं, देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा स्मॉल स्मॉल फिशेस, इतनी स्मॉल हैं, इतनी स्मॉल, कितना कलरफुल लग रहा है ये, इतना कलरफुल लग रहा है। और इन्होंने एक पेड़ का बनाया हुआ रूट, रूट्स हैं ये पेड़ की, और उनके बराबर में ये फिशेस जा रही हैं, इतनी प्यारी लग रही हैं। मैं कैमरे में वो बात नहीं आ रही होगी जो रियल में ये बात, ये देखें कितनी प्यारी हैं ये। तो गाइस आप ये देख सकते हैं ये इतनी बड़ी फिश है, ये भी इधर है, और वो जो है वो देख सकते हैं वो उसका फूड है। और ये जो सोई हुई मछली है, ये जब ये अपना वेस्ट निकालेगी ना, अपना वेस्ट निकालेगी तो ये लोग फौरन से खा जाएंगे, क्योंकि ये साफ़ करने समंदर में सफाई करने वाली मछली है। आप इस मछली का साइज़ देखें, इतना बड़ा साइज़ है, ये देखें ना इतना बड़ा साइज़ है, मुझे देख रही है मेरे पास आएगी। इस वाली फिश का नाम है अरेपेमा गिगास, जो ज़्यादातर रहती है अमेजोन रिवर में। तो गाइस अभी हम आ गए हैं पिरानास में, ये सारी पिरानास मछलियाँ, सारी पिरानास मछलियाँ, और ये ज़्यादातर रहती हैं साउथ अमेरिका अमेजोन रिवर में ज़्यादातर रहती हैं ये पिरानास। देखें भाई पिरानास, फिश लवर के लिए तो ये बेस्ट जगह है, एक्वेरियम स्पान एक्वेरियम आना। ये आप देखेंगे नेक्स्ट फिशेस ये आ गए, हम इनकी वो देखते हैं। आप ये देखें जंबो लार्ज साइज की फिशेस हैं, और ये ओपन है पूरे ऊपर से, तो इसलिए इधर बीच में ये प्लांट लगाए हुए, और वो भी लिखा हुआ है डोंट फीड द फुल फिश, ये देख सकते हैं। और ये हैं अमेजोन रिवर में पाई जाती हैं, कौन सी हैं ये, दू खा, नहीं नहीं ये तो नहीं, इसका यार नाम देखना पड़ेगा, नाम शायद इसका कोई भी नहीं है, बस ऐसी ही है। ये देखें कितना प्यारा एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है मछलियों को रखने के लिए, इनको थोड़ी फ्रेश एयर भी चाहिए होती होगी, इसलिए इनको ओपन से ओपन ऊपर से। आप ये देखें नीट एंड क्लीन है, रॉक्स नेचुरल एटमॉस्फेयर देने के लिए रॉक्स ट्रीज वुड वगैरह रखी हुई हैं, और नीचे पेबल्स भी डाले हुए हैं कि मछलियों को वो ना हो कि हम एक्वेरियम में, बहुत प्यारा माशाल्लाह से नई नीट एंड क्लीन है। और आप वो देखें ऊपर भी वो लगाया हुआ है, बहुत प्यारा एक्वेरियम है ये ऐसा पूरा व्यू है एक्वेरियम। तो नेक्स्ट फिशेस पे आ गए, ओए देखें ना आप फिशेस के डिज़ाइन के हिसाब से, फॉक्स बिल ये कौन सी, और साथ में ट्रेजर भी बनाया है इन्होंने, देखें प्यारी प्यारी फिशेस, लोग देख रहे हैं मज़े कर रहे हैं ज़्यादा, कुछ कुछ फॉरेनर्स भी आए हुए। ये हैं सिल्वर डॉलर, ये सिल्वर डॉलर फिशेस हैं, देखें प्यारी प्यारी छोटी छोटी, ये देखें ये देखें एक और फिश है, ये बड़ी अजीब सी फिश है, और इसका नाम है पोटा मोट्रेगोन, ये देखें इतनी अजीब सी, ये इसके नीचे वाला हिस्सा देखें,
अजीब सी, और ये एकदम नीचे बैठी हुई है सारी। गाइस ये है टेट्रा फिश, टेट्रा, और ये सब छोटे छोटे शायद से इनके बच्चे होंगे। ये देखें, 688 किलोमीटर। ये देखें हम एक और फिश पे आए हैं। ये समंदर से बहुत नीचे रहती हैं, और आप ये देखें इनकी शेप भी अजीब सी है, और इनके पास थोड़ा सा दिमाग होता है। और ये पाई जाती हैं टेंगेनविका लेक में। जाए ऐसा लग रहा है इसको बड़ा गुस्सा आ रहा है मुझ पे। हैं भाई वीडियो बनाऊं तुम्हारी? नहीं बनाऊं, जाए दे तुम। ये देखें इन्होंने क्या क्या लिखा है, पढ़ता हूँ मैं। सफर मुता, अच्छा ये तो वो है 0 मीटर, वो पानी की गहराई में जो स्कूबा डाइवर्स जाते हैं वो 332 मीटर जाते हैं। ये कौन सी, अच्छा बॉटल नोज डॉल्फिन जाती है 535 मीटर्स की गहराई में। और ये कौन सी है, 1800 मीटर्स में। कुछ भी नहीं होता क्या, फारसी पढ़नी नहीं आती। एक्रॉन वॉर्म जैसे जानदार उधर पाए जाते हैं। और ये वाली 1850 मीटर्स में 6 गिल शार्क पाई जाती है। 2500 मीटर्स में पाई जाती है क्यूवियर्स बिग वेल, और 3800 में पाई जाती है, ये तो वो है टाइटैनिक है। हाँ टाइटैनिक, ये पढ़ना आ गया, टाइटैनिक है 3800 मीटर्स गहराई में, और 7703 मीटर्स की गहराई में कौन पाया जाता है भाई? अजीब से जानदार पाए जाते हैं, तना जानवरों जहाँ पता नहीं क्या यार, ये 11,034 मीटर्स की गहराई में गोदाल। ये समंदर शायद से ख़त्म हो जाते हैं, इन्होंने इसके बाद तो कोई भी नहीं बनाया, आप देख सकते हैं। सीधा जेब्रा फिश है, ये अजीब सी स्नेप टाइप होती है। इसका इस फिश, ये जो अजीब सी है इसका नाम है लाइन फिश। ये देखें जेब्रा कलर की है, लेकिन इसके पंख अजीब से अजीब है। उर्दू जबान, उर्दू। तो ये हम एक और फिश है, ये सिम्बायोटिक अंडर वाटर लाइफ। ये देखें कुछ क्लार्की क्लाउन फिश, ये देख सकते हैं इसका नाम है क्लार्की क्लाउन फिश। पोमाकैंथस, ये जो ब्लू वाली है आप इसकी देखें, पीछे से हल्की सी निडल कैसी गई हुई है, कितनी प्यारी है डिजाइन, आप देखें कितना प्यारा है उसका वो। यह पोमाकैंथस सर्जियंट मेजर डैम शेल सेल्फिश, ये बहुत ज्यादा ही सेल्फिश है। गाइस ये देखें, ये है प्लेटेक्स वो बैट फिश। ये देखें इसकी गिल्स देखें आप इसको देखें, आप इसकी आप शेप देखें, ट्राइंगल वो है मछली है, देखो पास साइड ट्राइंगल। गाइस ये देखें, ये है बॉक्स फिश, आप देखें ये अजीब सी 4D डायमेंशन में बनी हुई है। ये अल्लाह की आप कुदरत चेक करें, ये देखें पास आ रही है, ये देखें कैसे अजीब सी बनी हुई है। अब ये देखें, ये है आगे, ये बटरफ्लाई फिश है, ब्लैक स्पॉटेड बटरफ्लाई फिश। और आप देखें इनके फिन्स की जगह ना, फिन्स तो है ही इसके, इसकी अलग से एक कुछ बनी हुई है शेप यूं करके, और ये कुछ फैदर टाइप है, फैदरी। सुभान अल्लाह, देखें ये है केव एक्वेरियम, इसका इस मछली का नाम ही केव एक्वेरियम है। आप देखें इसकी वाइट सी स्ट्राइप्स हैं, और वो ऐसी लग रही हैं कि वो बीट्स की तरह सिली हुई हैं, वो बीट्स की तरह लगती हैं। देखें
ये वाली फिश ना करंट मारती है, ये वो करंट मारने वाली फिश है। और आप ये देखेंगे क्या कर रही है, रेस्ट मूड में लेकिन मुंह खोल के पता नहीं चार्जिंग क्या कर रही है। और इस पानी के अंदर करंट ज़रूर होगा क्योंकि ये करंट प्रोड्यूस करती है। लोग यहाँ पे मछलियों को फीडर से फीड करवा रहे हैं। मछली आई है और ये देखें ये कैसे बना हुआ है अच्छा सा। ये हैं स्टार फिशेस, देख लें। स्टार फिश को भी आप देखें, बीच वाला वो दिया हुआ है, नीचे सैंड है और ऊपर इन्होंने थोड़ा सी रोशनी स्काई तरह बना दिया कि स्टार फिश को बुरा ना लगे कि वो अपनी एनवायरनमेंट से बाहर है। तो गाइस ये देखें टर्टल्स, सी टर्टल्स, चुपा चुपा टर्टल्स। और टर्टल्स को अपने टर्टल्स वाली एनवायरनमेंट दी है, वो देखें वो बड़ा सा टर्टल है। तो गाइस जो लोग पाकिस्तान और इंडिया वाले जो लोग दुबई जाना अफोर्ड नहीं कर सकते वो यहाँ पे आए। ईरान अस्फान एक्वेरियम देखें, द फर्स्ट टनल एक्वेरियम ऑफ ईरान अस्फान। ये देखें टनल एक्वेरियम, शार्क की अगर शार्क शार्क में क्या मार दिए पता नहीं। एक हड्डी भी होती है इसके अंदर। हैं, ये शो हो, ये देखें आप शार्क भी घूम रही है यहाँ पे। टर्टल देखें, टर्टल हमारे ऊपर से जा रहे हैं। ये वाली शार्क का मुझे मूड लग रहा है ये क्रॉस करेगी। ओ शार्क ने क्रॉस किया, ये देखें आप शार्क। ये देखें इतनी सारी फिशेस और ये शार्क दोबारा क्रॉस करेगी। खत्म हो गया बस। ये देखें आप, कितनी सारी फिशेस हैं। फिश लवर्स ईरान आके देखो एक्वेरियम। ये देखें शार्क, इसमें एक भी बोन नहीं होती। ये देखें ऊपर से जो जा रही है, ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। ये देखें आप ज्यादा आज मैंने शायद से स्टैचू बनी है, शायद से सो रही है वो। ये तो अच्छी लग रही है, ये ब्रेग्जिट हो गया है। मैं पाकिस्तानी और इंडियन जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं मैं सबको रेफ़र करूँगा। अगर आप दुबई नहीं जा सकते, दुबई आपकी रेंज से बाहर है, तो आपका पहला ऑप्शन ईरान है।
किराना आपको एक्वेरियम भी मिलेगा, टनल एक्वेरियम। यहाँ पे आप किश जाएंगे, किश तो भाई आप छोड़ दें, जो दुबई से बेहतर है किश आइलैंड। और अभी हम जाएंगे कल शुमाल, उसकी भी एक्टिविटीज़ दिखाऊंगा आपको। बाय।